Okay let's now revise the chapter of code on wages as you all know this act is called not the code on wages act but simply the code on wages why the reason being that there actually were four labor codes which were enacted which were notified code on social security industrial relations occupational safety health and of course the code on wages we are discussing the code on wages because this compiles minimum wages payment of wages payment of bonus and equal remuneration so it talks about on four aspects which were earlier discussed by the respective acts the respective acts have been repealed and अब हम क्या discuss kar rahe hai? now we are discussing one code that is code on wages 2019 अब क्या कर रहे हैं वही discuss karne वाले हैं right Chalo. code on wages, it regulates all the sectors, organized, unorganized. It, it is एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टैब्लिशमेंट्स हमारे पास जगह जगह छोटी छोटी अलग एप्लीकेबलिटी दी हुई है बट अगर मैं यूनिफॉर्मली बात करूँ तो इट इज़ एप्लिकेबल ऑन ऑल द सेक्टर्स इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टैब्लिशमेंट्स इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द एम्प्लॉयज़ पहले बहुत अलग अलग एप्लीकेबलिटी थी अब हमारे पास एक यूनिफाइड एप्लीकेबलिटी है इनफैक्ट इसकी एक यूनिफाइड डिफिनेशन भी है अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे सारे तरीके के एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं हर वो पर्सन जो काम कर रहा है अदर देन अप्रेंटाइज एंड अदर देन आर्म्ड फोर्सेस वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर हो जाता है अगर हम वर्कमैन की बात करें जो एक और पर्सन डिफाइन किया हुआ है जब हम एक्ट पढ़ते हैं ये कोड पढ़ते हैं तो कई जगह हमको दिखता है सिर्फ वर्कर यूज किया गया है इंप्लॉय नहीं यूज किया गया है सो वेन वी टॉक अबाउट वर्कर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन इन इंडस्ट्री इसमें जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज भी आते हैं पर एयरफोर्स नेवी पुलिस प्रिजन ये वाले लोग नहीं आते हैं मैनेजेरियल लोग नहीं आते हैं और वो लोग नहीं आते हैं जो फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर की सैलरी ड्रॉ कर रहे हो ठीक है सो दीज आर दीपल हु आर नॉट इंक्लूडेड फिफ्टीन थाउजेंड और सच हाइयर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड एम नॉट डिस्कसिंग दैट हियर क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है अफकोर्स हमारे सिलेबस में इसकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा नहीं है पूरा का पूरा कोड हमें नहीं पढ़ना है हमें कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस ही पढ़ने हैं हम अगर इस कोड की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा कोड है ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है और उस चैप्टर्स में अलग अलग सेक्शन है सबसे पहले जो हम डिस्कशन करते हैं वो हम करते हैं वेजेस 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 का राइट वी डिस्कस अबाउट द तो wages क्या होती हैं अगर हम वेजेस की डेफिनेशन में जाएं तो वेजेस में सारी रिम्यूनोरेशन जो आप पे करते हो इंक्लूडिंग बेसिक डीए एंड आरए ये होती है हमारी बेसिक कम से कम फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल सैलरी होनी ही होनी चाहिए अगर उसकी नहीं होती है तो जो एक्सेस होता है उसको भी हम मान लेते हैं कि वो हमारे वेजेस का हिस्सा है अगर कुछ रेम्यूनरेशन इन काइंड मिलती है तो अप टू फिफ्टीन परसेंट दैट विल ऑल्सो भी वेजेस इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं जैसे एच आर ए बोनस कन्वेन्स हाउस एकोमोडेशन पी एफ वगैरह का कंट्रीब्यूशन कुछ सोशल एक्सपेंसिस कुछ ओवर टाइम कमीशन ग्रेचुटी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ये सारी चीजें हमारे वेजेस का हिस्सा नहीं होती हैं एम्प्लॉय वर्कमैन मैंने आपको बता दिया अब हमारा सबसे पहला पार्ट जो इस चैप्टर में हमें देखना है वो आता है सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिनिमम वेजेस कम से कम कितनी वेजेस देनी चाहिए सेक्शन थ्री की अगर हम बात करें तो इसमें बात होती है अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या अवॉइड करना है द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज बी अवॉइडेड ऑन द ग्राउंड कि हम अपॉइंटमेंट जिसका भी करें जेंडर बाइज्ड होके नहीं करें मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट नो डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस ऑल्सो अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों सेम तरीके का काम कर रहे हैं सेम एनवायरनमेंट में कर रहे हैं सो दे शुड बोथ बी पेड द सेम वेजेस इक्वल रेम्यूनरेशन करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें मेल की रेम्यूनरेशन कम कर देनी है ताकि वो फीमेल के ऐट पार आ जाए सो नो रिडक्शन ऑफ वेजेस नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इवन इन रिक्रूटमेंट ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है भाई फ्लोर वेजेस का मिनिमम वेजेस का फ्लोर वेजेस जो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे नेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है फ्लोर वेज दैट इज़ फिक्सड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट वो वर्किंग स्टैंडर्ड्स लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को ध्यान में रखते हैं फ्लोर वेज फिक्स करते हैं इस फ्लोर के बेसिस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स मतलब दैट कुड बी द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है जैसे हमारे रेलवेज हो गए और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्लोर वेज फिक्स किया इसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस फिक्स करती हैं योर मिनिमम वेज कैन नॉट बी लेसर दैन हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू आप जो भी फ्लोर वेज या मिनिमम वेज फिक्स करते हो ये आप एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद करते हो ठीक है ओके फाइन मैम नाउ अनडाउटेडली यू कैन फिक्स इट यू कैन ऑल्सो रिवाइज इट कैसे हम फिक्स करते हैं जो टाइम बेस्ड वर्क होता है उस पर हम आवरली डे वाइज या मंथली फिक्स कर सकते हैं जो पीस वर्क होता है उस पर हम पीस वाइज भी फिक्स कर सकते हैं और अगर हमारे पास पीस वाइज नहीं होती है तो हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टाइम बेसिस पे भी फिक्स कर सकते हैं और टाइम वर्क बेसिस पे जब फिक्स करते हैं तो हम टाइम वर्क के हिसाब से ही पेमेंट करते हैं ठीक है सो इसके लिए पीस वर्क के लिए भी स्पेसिफाई किया गया है कि आप टाइम वर्क के हिसाब से पे करोगे एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज़ नॉट फिक्स्ड एज अकॉर्डिंग टू पीस वर्क तो हम टाइम पेमेंट के हिसाब से ही करेंगे इसका हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था नाउ when वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स कि क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम कम से कम डिसाइड करें कि इतना पैसा तो वर्कर्स को मिलना ही मिलना चाहिए हम देखते हैं कि वो उनके स्किल्स क्या हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं भाई वहां पे काम करने का और वहाँ पे रहने का खर्चा कितना ज्यादा होता है वो कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं बड़े आराम से कंफर्टेबली काम कर रहे हैं कम पैसे मिलेंगे तो भी चलेगा खतरों वाले काम है तो ज़्यादा पैसे चाहिए सो हज़ार डे ऑक्यूपेशन में ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख रखकर नॉर्म्स को ध्यान में रख के जो बनाए गए हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट क्या करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ठीक है Now, कैसे होता है वॉट इज द प्रोसीजर दैट दे एडोप्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटी अपॉइंट करती है वो कमिटी क्या करती है इंक्वायरीज होल्ड करती है और रिकमेंड करती है कि आप मतलब um, क्या फिक्स करना चाहिए या कैसे रिविजन होना चाहिए देखो एक बार हमने फिक्स किया ऐसा नहीं है कि अब हम सालों साल बैठ जाएंगे मैक्सिमम पाँच साल में हमको क्या करना होता है रिव्यू करना होता है रिवाइज करना होता है वो हम कैसे करेंगे कमिटी बना सकती vote, no, है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो इंक्वायरी होल्ड करते हैं जा जाकर पता करते हैं एंड उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे नोटिफिकेशन निकाल के वो फिक्स कर देते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भी प्रपोजल है आप उसको पब्लिश कर देते हो और दो महीने का टाइम दे देते हो अब जो पर्सन इफेक्ट होने वाले मतलब जो इम्प्लॉयर है हैं जो भी हैं, वो क्या करते हैं आपको रिकमेंडेशन देते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप नोटिफिकेशन निकाल के फिक्स या रिवाइज कर सकते हो तो हमारे पास आइडियली दो तरीके होते हैं ऐसा करने के लिए ठीक है चलो इस कमिटी में कौन होगा अगर आप कमिटी बनाओगे तो कमिटी में अनडाउटेडली आपके इंप्लॉयर इंप्लॉय और कुछ इंडिपेंडेंट लोग जरूर होंगे जो रिविजन होता है ये एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग पाँच साल मतलब मैक्सिमम पाँच साल के अंदर अंदर आपको फिर से रिव्यू करना ही करना पड़ता है कि मिनिमम वेजेस अब बदलने की ज़रूरत अगर है तो हम उसको रिवाइज़ करते हैं और अगर नहीं है तो हम रिव्यू ज़रूर करते हैं मिनिमम वेजेस हमारी कैसे कैसे हो सकते हैं हम बता सकते हैं कि बेसिक रेट हम बता सकते हैं कि बेसिक रेट प्लस द कॉस्ट वैल्यू ऑफ कंसेशन हम बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन या फिर हमारा एक ऑल इंक्लूसिव रेट भी हो सकता है नाउ फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं कि मिनिमम वेजेस देनी है आपको मिनिमम वेजेस हमने बोला कि अगर हम टाइम बेस्ड बताते हैं तो हम एक दिन की भी मिनिमम वेजेस बता सकते हैं एक घंटे की भी बता सकते हैं और एक महीने की भी बता सकते हैं एक दिन में अगर कोई एक ही घंटे काम करता है तो क्या उसे पूरे दिन की वेजेस मिलनी चाहिए द आंसर नो राइट तो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता सकती है कि कितने घंटे अगर आप काम करोगे तो हम उसको नॉर्मल वर्किंग डे मानेंगे वो ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि सात दिन में एक दिन कम से कम रेस्ट का होगा और अगर आप रेस्ट वाले दिन उनसे काम कराओगे या ओवर वैसे कराओगे तो उस पर ओवर टाइम रेट लगेगा और उसमें आपको जो पेमेंट करनी होगी वो ओवर टाइम रेट के हिसाब से करनी होगी वो नॉर्मल रेट के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो पर कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में हम नहीं बोल सकते कि आठ घंटे ही काम करना है क्यों क्योंकि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि हो सकता है दस घंटे आपको काम करना ही पड़े हाँ उसके बाद हम आपको रेस्ट ज़्यादा देते हैं बट दस घंटे एट अ स्ट्रेच काम करना ही पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आठ घंटे के लिए आप नॉर्मल वेजेस दोगे और दो घंटे के लिए ओवर टाइम वेजेस दोगे नहीं आप दस घंटे के लिए नॉर्मल वेजेस ही दोगे तो कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे इमरजेंसी के, के केस में हम नॉर्मल वेजेस पे ही काम कराते हैं कभी कभी प्रिप्रेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क होता है मतलब ये काम करेंगे तभी हम दूसरा काम कर सकते हैं तो वह नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड भी करना हो सकता है उसके लिए नॉर्मल पैसे ही मिलते हैं हुज इज एसेंशियली इंटरमिटेंट जैसे अगर TC है भाई uh, की बात नहीं करते हैं बट रेलवेज में कोई है तो वो बाहर चला गया तो दो दिन बाहर रहेगा फिर वो तीसरे दिन आएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो दिन रात काम कर रहा है वो वहां पर सो भी रहा है बट दैट इज ऑल्सो हिज इंप्लॉयमेंट उसके बाद आएगा तो उसको दो दिन छुट्टी दी जाएगी ठीक है तो उन केसेस में हम नॉर्मल वर्किंग डेज इस तरीके से नहीं कंप्यूट कर सकते कभी कभी ऐसा होता है टेक्निकल रीज़न की वजह से हमें ज़्यादा काम करना होता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल फोर्सेस ऐसे हैं कि भाई इस समय हवा रुकेगी तभी ये काम होगा तो तब अनयूजल uh, टाइमिंग में काम हो सकता है सो दीज आर एक्सेप्शंस अगर आप एक वर्किंग डे में आठ घंटे हैं और आपसे कम काम करते हो तो यू विल स्टिल बी एंटाइटल्ड कि आपको पूरे दिन का पैसा मिले मैम ये तो गलत है हाँ ये गलत है पर अगर ये आपकी गलती से नहीं है तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे अगर आपकी गलती से है तो आपके पैसे कटेंगे मतलब अगर आप खुद ही काम नहीं करना चाह रहे हो तो आपके पैसे कटेंगे अगर इंप्लॉयर ने बुलाया है और वो इंप्लॉयर आपको काम नहीं देना चाह रहे है। आप तो गए थे ना अब इंप्लॉयर के पास काम नहीं है तो बोलेंगे चलो आधे दिन ही काम किया तो आधे दिन का पैसा देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा अगर आप एक नॉर्मल वर्किंग डे से ज्यादा काम करते हो तो ओवर टाइम मिलता है ओवर टाइम कितना होता है टू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एटलीस्ट ठीक है पीस वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया एंड देर कुड बी वेजेस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कैसे पेमेंट होगी वेजेस की करे uh, से नोट्स से क्रेडिटिंग देयर बैंक अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट कैसे भी हो सकती है वेज पीरियड उनका फिक्स होगा कि उनको पेमेंट डेली बेसिस पे होगी वीकली होगी फोर्थ होगी या मंथली होगी अगर उनको डेली होती है अगर उनका वेज पीरियड डेली है तो जब उनकी शिफ्ट एंड होगी एक दिन की उनको पेमेंट हो जाएगी अगर वीकली है तो लास्ट वर्किंग डे पे उनको पेमेंट हो जाएगी अगर फोर्थ नाइटली है तो जब आपका फोर्थ नाइट ख़त्म होता है उसके सेकेंड डे के एंड से पहले पहले हो जाएगी और अगर मंथली है तो नेक्स्ट मंथ के सेवेंथ से पहले पहले हो जाएगी ये आपकी डेडलाइन होनी ही होनी चाहिए इसमें आपको पेमेंट कर ही देना है अगर आप किसी एम्प्लॉय को हटाते हो या वो छोड़ता है या वो रिजाइन करता है तो उसके दो वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए ठीक है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो और कोई टाइम लिमिट प्रोवाइड कर सकती है क्या हम पूरी की पूरी वेजेस देंगे या कुछ हम डिडक्ट कर सकते हैं आपको अलाउड नहीं है डिडक्ट करना अनलेस वो अलाउड डिडक्शन में फॉल करें डिडक्शन किसको हम बोलते हैं हम आपके प्रमोशन वगैरह को रोक रहे हैं इंक्रीमेंट को रोक रहे हैं वो भी एक तरीके से डिडक्शन ही हो गया ठीक है कुछ डिडक्शंस होते हैं जो अलाउड होते हैं जैसे इम्प्लॉयर चाहे तो फाइन इंपोज कर सकता है पर फाइन की आपको सेक्शन 19 के हिसाब से कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी फाइन आप सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज पे इम्पोज करोगे जो गवर्नमेंट ने आपको बताई हो और आप उन एक्ट्स को डिस्प्ले करोगे कि ताकि सारे वर्कर्स को सारे एम्प्लॉयज़ को पता हो कि अगर हमने ये काम किया तो हमारे ऊपर फाइन लगेगा फिर भी फाइन लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और मैक्सिमम फाइन शैल नॉट एक्सीड थ्री परसेंट ऑफ द वेजेस पेपर अगर कोई भी वर्कर हमारा या इम्प्लॉय हमारा 15 इयर्स के अंडर एज का है तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा कोई भी फाइन की रिकवरी आप 90 डेज़ के बाद नहीं करोगे आप डेट ऑफ इम्पोजिंग फ़ाइन क्या होगा जिस दिन वो ऑफेंस हुआ उस दिन फाइन लग गया इसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करोगे एंड यू विल आल्सो यूटिलाइज़ द फाइन दैट यू हैव कलेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड ओनली तो अगर ये कंडीशन हम पूरी करते हैं सेक्शन नाइनटीन के हिसाब से तो हम क्या कर सकते हैं फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं और फाइन को डिडक्ट करने के बाद वेजेस पे कर सकते हैं सो दिस इज़ एन अलाउड डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस दूसरा अलाउड डिडक्शन होता है हमारा एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी अगर कोई बंदा आया ही नहीं है तो हम उसकी वेजेस नहीं काटेंगे काटेंगे बट अगेन सेक्शन नंबर ट्वेंटी होता है जिसको हमें कंप्लाई करना होता है ऑफ़ um, वर्क um, में दो चीजें आती हैं। पहली बात आप उतना ही पैसा काट सकते हो। मतलब डिडक्शन अपॉन वेजेस पेबल शुड बी लेस देन इक्वल टू एब्सेंट अबाउट अपॉन टोटल पीरियड मतलब उसी प्रोपोर्शन में आप पैसा काट सकते हो ऐसा नहीं है कि आप उससे ज्यादा पैसा काट सकते हो ठीक है एबसेंस हम किसको बोलते हैं जब आप काम पे नहीं आए हो या तो कुछ पार्ट पीरियड के लिए नहीं आए हो या पूरे पीरियड के लिए नहीं आए हो मास के केस में हमारा थोड़ा सा प्रोविजन अलग हो जाता है एंड ऐसी सिचुएशन में यू विल नॉट डिडक्ट अमाउंट एक्सीडिंग इज वेजेस फॉर एट डेज ठीक है ये कंडीशन हम फुलफ़िल करते हैं तो एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी के केस में भी हम पैसे काट सकते हैं अगर एम्प्लॉय के निग्लेक्ट की वजह से हमें कुछ लॉस हुआ हम पैसे काट लेंगे हमने उसको कुछ हाउस एकोमोडेशन दिया है हम पैसे काट लेंगे हमने उसे कुछ और इम्यूनिटीज़ या सर्विसेज दी हैं हम पैसे काट लेंगे उसने हमसे कोई एडवांस लिया है हम पैसे काट लेंगे हमने उसको वेलफेयर फंड से कुछ लोन दिलवाया है हम पैसे काट देंगे हमने उसको घर बनवाने के लिए कोई लोन दिया है फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड हम पैसे काट देंगे हम उसके इनकम पे टैक्स लगता है टी काटते हैं हम आराम से काटेंगे हमने उसका पी जमा किया है तो हम उसको सैलरी काट के ही देंगे राइट right? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर बनने के लिए वो किया है तो पैसे काट के ही देंगे कोई ट्रेड यूनियन का आप हिस्सा बनना चाहते हो आपने कंसेंट दिया है आपने ऑथराइज किया है हम आपके पैसे काटेंगे ही काटेंगे फिर अगले तीन पॉइंट आते हैं जो हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं रेलवे में जैसे आपने रिकवरी की और आपने जाली नोट की रिकवरी कर ली तो ऐसी सिचुएशन में आपके पैसे कटते हैं वैसे ही आपने इनवॉइस नहीं काटी उसकी वजह से रेलवे को नुकसान हुआ आपके पैसे कटेंगे आपने गलत रिफंड दे दिया किसी को आपके पैसे कटेंगे और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जैसे सुनामी आ गई तो हमारे एम्प्लॉई ने कहा कि कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को तो सौ रुपये उसके ऑथराइज़ किए हमने काट लिए तो वो भी हम काट सकते हैं ठीक है कभी भी हमारा डिडक्शन जो होगा वो फिफ्टी परसेंट ऑफ द वेजेस से एक्सीड नहीं करेगा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर फोर पे जो बात करता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस पेमेंट ऑफ बोनस बोनस किसको मिलता है बोनस हर इम्प्लॉय को मिलता है जो स्टैब्लिशमेंट में हो और एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग मतलब उतनी वेजेस ड्रॉ कर रहा हो जितनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताई है अगर उससे ओवर एंड अबव आप वेजेस ड्रॉ करते हो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताई है मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह अलग अलग वेजेस हो सकती हैं उससे ज़्यादा अगर ड्रॉ करते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा उसके विद इन ड्रॉ करते हो तो बोनस मिलेगा सब्जेक्ट टू आप एटलीस्ट थर्टी डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर काम करो अगर आप कम से कम थर्टी डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर काम करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर बोनस पर पर इसके बाद भी हमारी बात खत्म नहीं होती है ये तो मैंने आपको ना बता दिया है इसके बाद भी हमारी बात खत्म नहीं होती है

कि आप कभी कभी डिसक्वालिफाइड होते हो आपको बोनस नहीं मिलता है क्यों क्योंकि आपने धोखा किया है और इसलिए आपको निकाल दिया गया आपने एक फ्रॉड किया आपको निकाला गया कंपनी से इस्टेब्लिशमेंट से और अब आप उम्मीद करो कि आपको बोनस भी मिलेगा द आंसर इज नो सो इन केस ऑफ फ्रॉड इन केस ऑफ राइटियस और वायलेंट बिहेवियर थेफ्ट मिसअप्रोप्रिएशन सैबटेज या फिर कन्विक्शन ऑफ सेक्शुअल हेरसमेंट ये चार पॉइंट सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन में कवर होते हैं विच टेल्स यू अबाउट डिसक्वालिफिकेशन इन दीज सिचुएशन यू आर डिसक्वालिफाइड आपको बोनस नहीं मिलता है अदरवाइज यू विल बी एंटाइटल टू बोनस मिनिमम बोनस 8.33 परसेंट और 100 हंड्रेड रुपीज विचल इज हायर मैक्सिमम बोनस 20 परसेंट ऑफ एनुअल वेजेस इसके अलावा अगर आप प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस डिमांड करते हो तो बिल्कुल दिया जा सकता है आपके और एम्प्लॉय के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो उसके हिसाब से पर फिर भी वो ट्वेंटी परसेंट की लिमिट के अंदर ही अंदर रहेगा ठीक है हम वर्किंग डेज कैसे करते हैं वर्किंग डेज में हम इनको डीम्ड वर्किंग डेज मानते हैं द पीरियड फॉर विच यू हैव बीन लेड ऑफ द पीरियड फॉर विच आर ड्रॉइंग सैलरी आप लीव पे हो फिर भी आपको सैलरी मिल रही है वो भी आपका वर्किंग डे है टेम्पररी डिसेबलमेंट है वो भी वर्किंग डे है मैटर्निटी लीव है जिसपे सैलरी मिलती है वो भी हमारा वर्किंग डे है ठीक है तो इन दिन पे हम मानेंगे कि एम्प्लॉय ने काम किया है क्यों क्योंकि वर्किंग डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी एम्प्लॉय कम से कम थर्टी वर्किंग डेज काम करता है तभी उसका बोनस का एंटाइटलमेंट होता है तो इतने दिन को भी हम वर्किंग डेज मानेंगे स्टैब्लिशमेंट या ब्रांच अगर अलग अलग स्टैब्लिश अगर अलग अलग ब्रांचेज रहती हैं स्टैब्लिशमेंट की तो सबको हम कलेक्टिवली मानते हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बोनस पर अगर ये अपना अलग अलग पी एंड एल बैलेंस शीट बना रही हैं तो हम इनको सेपरेट भी ट्रीट कर सकते हैं देन कम्स योर कंप्यूटेशन ऑफ बोनस भाई बोनस कैलकुलेट कैसे किया जाए बोनस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट बैंकिंग कंपनी के लिए वो मैनर जो प्रिस्क्राइब है बाकी के लिए वो मैनर जो प्रिस्क्राइब है तो जैसे प्रिस्क्राइब है उस हिसाब से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं इसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस जो अलाउड है ओनली दैट द डायरेक्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जो हमारा रहता है सेक्शन नंबर के हिसाब से एंड अदर स्पेसिफाइड सम्स इसको हम माइनस करते हैं इसके बाद हमारा एक पॉइंट और आता है डिफरेंस इन टैक्सेस मतलब हमने ग्रॉस प्रॉफिट पे टैक्स निकाला और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस बोनस उस पर टैक्स निकाला उसका जो डिफरेंस आता है वो वो माइनस करके हमारा आता है अवेलेबल सरप्लस प्लस जो भी हमारा केस है वो होता है हमारा एलोकेबल सर प्लस एलॉकेबल सर प्लस में से हम बोनस देते हैं हो सकता है किसी कंपनी का एलोकेबल सर प्लस जीरो आ जाए कुछ भी ना बचे तो क्या उस सिचुएशन में बोनस देना पड़ेगा द आंसर इज येस एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो मिनिमम बोनस का जो अमाउंट है वो तो आपको देना ही देना पड़ता है तो हमारी तीन सिचुएशन हो सकती है एलोकेबल सरप्लस हमारा मिनिमम बोनस से कम है तो भी बोनस देना है उसके बराबर है तो जितना है उतना बोनस दे देना है और उससे ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम बोनस देते हैं उससे भी ज़्यादा है तो हमारा सेट ऑन का प्रोविजन लगता है तो हमारे पास इसके बाद प्रोविजंस आते हैं सेट ऑन और सेट ऑफ के सेट ऑन मतलब एक्सेस प्रॉफिट है हमारे पास हमारा मिनिमम बोनस का अमाउंट एक लाख रुपए आता है हमारे पास दस लाख के प्रॉफिट हैं तो एक लाख रुपए मिनिमम बोनस मैक्सिमम बोनस तीन लाख का आता है तो हमने दस लाख में से तीन लाख मैक्सिमम दे दिया उसके बाद भी हमारे पास सात लाख रुपए बच गए तो तीन लाख और हम क्या कर सकते हैं सेट ऑन कर सकते हैं मतलब उसको सेट असाइड कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इसको हम यूज़ करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ बोनस इन द कमिंग ईयर्स पर सेट ऑन के भी प्रोविजंस हैं मैक्सिमम चार अकाउंटिंग ईयर्स तक वो चल सकता है और मैक्सिमम सेट ऑन जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दैट इज ओनली ट्वेंटी परसेंट ठीक है फाइन मैम तो ये बात तो क्लियर हो गई सेट ऑन एंड सेट ऑफ ऑफ एलोकेबल सरप्लस सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स ऑल दो मैंने आपको यहाँ पे एक इलास्ट्रेशन भी कराया था एक्सप्लेनिंग द होल थिंग एक्सप्लेनिंग द कम्प्लीट प्रोविजन्स और कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि सेट ऑफ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सेट ऑन ये नहीं समझना यहाँ सेट ऑन हो रहा है तो यहाँ सेट ऑफ हो रहा है नहीं सेट ऑफ कब होता है जब हमारा एलॉकेबल सर एलॉन्ग विद वॉट एवर इज अवेलेबल इज नॉट इवन सफिशेंट टू मेट मिनिमम बोनस पेबल देखो रिविजन चल रहा है जिसने पढ़ा नहीं है उसको समझने में दिक्कत होगी और जिसने पढ़ा है उसका जबरदस्त रिविजन होगा है ना तो रिविजन है इस बात को ध्यान में रखना हमेशा रिविजन को कभी भी मेन क्लास का रिप्लेसमेंट मत करना ठीक है लॉन्ग रन में आप ही को दिक्कत होगी खैर तो अगर हमारा एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस से ज़्यादा है तो जो एक्सेस होता है सब्जेक्ट टू ट्वेंटी परसेंट की लिमिट वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं चार सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर्स तक फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक और उससे हम दे सकते हैं अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास अलॉकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम है और हमारे पास कोई भी सफिशेंट अमाउंट भी नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मतलब सेट uh, ऑन का भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो वो जो डेफिशेंसी होती है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगले चार सक्सीडिंग ईयर्स तक ठीक है बाकी प्रिंसिपल्स वो होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हैं एंड पहले हम उनको सेट ऑफ पहले हम उनको यूज़ करते हैं जो पहले हैं मतलब अगर ईयर टू में हमारे पास एक्सेस था तो पहले हम ईयर टू को यूज़ करेंगे फिर ईयर थ्री में आया एक्सेस तो उसके बाद ईयर थ्री वाला यूज़ करेंगे फिफो के हिसाब से हम यूज़ करते हैं राइट right. जो हमारे नए स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं पहले पाँच साल हम कुछ बोनस नहीं देते हैं सिक्स और सेवन्थ ईयर में हम सेट ऑन सेट ऑफ शुरू तो करते हैं पर फिफ्थ ईयर से ही शुरू करते हैं और एट ईयर ऑनवर्ड्स हम जैसे सेक्शन थर्टी सिक्स में करते थे सबके लिए वैसे ही करते हैं तो ये स्पेशल चीज़ थी फॉर न्यू स्टैब्लिशमेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है ओके फाइन मैम नाउ अदर एडजस्टमेंट्स अगर हमने पूरे दिन काम नहीं किया है, तो प्रपोशन प्रिडक्शन होगा अनडाउटेडली अगर किसी एम्प्लॉयर ने कोई और बोनस आपको दिया हुआ है जैसे दिवाली बोनस दे दिया पूजा बोनस दे दिया या पहले कुछ बोनस दे दिया तो एम्प्लॉयर का हक होगा उतना अमाउंट आपके बोनस में से डिडक्ट करने का तीसरा अगर यू आर गिल्टी ऑफ सम मिसकंडक्ट अगर आपको निकाल दिया गया है अगर आपने फ्रॉड किया है वॉयेंट बिहेवियर इसकी वजह से आपको निकाल दिया गया या डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बोनस फ्रॉम पेमेंट ऑफ बोनस पर अगर आप हो और आपकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में बोनस आपको कट के मिलेगा बोनस हम कब देते हैं पहली बात तो बोनस हम बैंक अकाउंट में देते हैं दूसरी बात हम कब देते हैं जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है उसके आठ महीने के अंदर अंदर पर अगर हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो जब वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट होगा उसका फाइनल ऑर्डर निकलेगा उसके एक मंथ के अंदर अंदर पर अगर हमारा डिस्प्यूट इस बात पे चल रहा है कि मुझे ज्यादा बोनस मिलना है तो कम से कम तो दो मिनिमम बोनस आठ महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए और हाइयर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है वो सेटलमेंट के बाद मिल जाएगा चलेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस आठ महीने के पीरियड पे भी एक्सटेंशन दे सकती है पर मैक्सिमम दो साल तक का इसके बाद आता है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी ओनली फॉर दिस चैप्टर सो देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंप्लाइज व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस बोनस राइट तो ये चीज प्योरली लर्निंग वाली पर्पज की है और ये आपको याद करनी पड़ेगी नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर फाइव एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन नंबर फोर्टी टू हमारे पास दो तरीके के एडवाइजरी बोर्ड होते हैं एक होते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और एक होते हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ठीक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कौन होता है इम्प्लॉयर होते हैं इक्वल नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं इंडिपेंडेंट पर्सनस होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पांच रिप्रजेंटेटिवस अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ये सब के सब मिलके एंड एंड इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट पर्सन हैं उसमें से एक चेयर पर्सन बनता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो हमारी पूरी पैनल होगी इसमें कम से कम वन थर्ड मेंबर्स वुमेन होंगे ये तो बात हमने की कॉम्पोजिशन की ऐसा एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना नाम से हमें पता चल रहा है इट इज एडवाइजरी बोर्ड दैट मींस इट इज हियर टू एडवाइस किसको एडवाइस करेगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किस लिए एडवाइस करता है फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज मिनिमम वेज जो भी कनेक्टेड मैटर्स होते हैं भाई वुमेन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ वुमेन को अपॉइंट करना चाहिए और वो जो भी मैटर्स एज इट डीम्स फिट इसके बाद आता है हमारा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जिसको स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है इसमें कौन होता है इसमें भी इसमें भी एम्प्लॉयर होते हैं इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जिसमें से एक चेयरपर्सन बनता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे नहीं क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा इसके भी जितने मेंबर्स होते हैं उसमें से वन थर्ड एटलीस्ट वुमेन होने चाहिए ये क्या करते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं मिनिमम वेजेस कितनी फिक्स करो कब रिवाइज करो वुमेन के लिए क्या करो एंड अदर मैटर्स एज रिलेटिंग टू द कोड ठीक है इसके अलावा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कैन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर कमिटी और कमिटी का भी हमारा एक चेयरपर्सन होता है जिसको बोर्ड अपॉइंट करता है ये कमिटी इनको सपोर्ट करती है और ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, है, right? so करते हैं राइट सो दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल ये अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करते हैं एंड इनका टर्म वगैरह वो होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर सिक्स पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम एंड ऑडिट किसकी जिम्मेदारी होती है इम्प्लॉय को पैसा देना है वेजेस देनी है बोनस देना है उसका अमाउंट इतना ड्यू होता है किसकी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है अगर एम्प्लॉयर नहीं देता है तो भाई जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है मतलब कंपनी फर्म एसोसिएशन प्रोपराइटर जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके ड्यूज किसको दोगे जो पर्सन नॉमिनेटेड है उसको देते हैं अगर कोई पर्सन नॉमिनेटेड नहीं होता है तो हम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देते हैं अगर एम्प्लॉयर ने वो पेमेंट कर दी टू द नॉमिनी या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी देन एम्प्लॉयर इज डिस्चार्ज ठीक है मैम देन सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव सेक्शन नंबर 45 क्लेम्स अंडर कोर्ट एंड प्रोसीजर मुझे एम्प्लॉय से पैसा लेना है वो मेरा क्लेम हो गया ठीक है तो एम्प्लॉय खुद या जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होता है वो क्या कर सकता है क्लेम की एप्लीकेशन दे सकता है जब क्लेम अराइज होता है उसके तीन साल के अंदर अंदर विद द अथॉरिटी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी आपका क्लेम जेन्युअन है या नहीं है और तीन महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास करने की कोशिश करते हैं ये कॉम्पन्सेशन भी अवॉइड कर सकते हैं अप टू टेन टाइम्स इनके पास ये भी पावर होती है अगर आपने जो ऑर्डर इनका निकला उससे जितना भी अमाउंट डिटरमाइन हुआ या फिर जो कॉम्पेंसेशन है वो पे नहीं किया तो ये अथॉरिटी एक रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू कर सकती है और रिकवरी सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है तो वॉट एवर ड्यूज अदयर दे आर रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय इन द सेम मैनर आज लैंड रेवेन्यू एरियज अगर आप इनके ऑर्डर से खुश नहीं हैं, तो हमारे पास एक एपलेट अथॉरिटी है जो सेक्शन 49 में है आप उनको अपील कर सकते हो विद इन नाइनटी डेज अगेन दे विल अगेन ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन थ्री मंथ्स। तो उनका भी उनकी भी कोशिश क्या होगी कि तीन महीने के अंदर अंदर हम क्या करें इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दें राइट right. ओके okay. जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ गेजेटेड ऑफिसर जो एपलेट अथॉरिटी अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो इनके रैंक से ऊपर होते हैं क्यों क्योंकि अगर आप इनके ऑर्डर से ना खुश हो तो आप उनके पास अपील करने जाते हो तो यहां पे टाइम लिमिट है और फेलियर है और पावर्स हैं ठीक है ठीके? कोई भी अगर बोनस के रिस्पेक्ट में एलिजिबिलिटी या फिक्सेशन के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे प्रिजम्पन अबाउट क्यूरियसि ऑफ बैलेंस शीट एंड पे एंडल अकाउंट ऑफ कंपनीज देखो कंपनी के केस में ऑडिट होता ही होता है ठीक है तो अगर हमारे कहीं पे भी क्लेम चल रहे हैं हमने बोला कि इनको हमें बोनस देना है ये बोल रहे हैं नहीं देना है ठीक है या हमने बोला इतना अमाउंट देना है ये बोल रहे हैं इतना अमाउंट नहीं देना है तो हमारा कहीं झगड़ा चल रहा है और वो डिसाइड कर रही है अथॉरिटी हमारा क्लेम या हमने उनके उनसे खुश नहीं है एपलेट अथॉरिटी के पास पहुंच गए या हमारा कोई क्लेम है तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के हिसाब से आर्बिट्रेटर के पास है कहीं पर भी हमारा क्लेम चल रहा है ऐसा डिसाइड करने पे फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं भाई कितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से आपको इतना देना है तो उस फाइनेंशियल्स पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उस फाइनेंशियल्स अगर वो ड्यूली ऑडिटेड हैं तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये सही होंगे हम उसका कोई एफिडेविट नहीं मांगेंगे कि बताओ ये सही है या नहीं है नहीं ऑडिटर ने या तो सी ए जी ने इनकेस ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी या फिर जो ड्यूली ऑथराइज हैं ऑडिटर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 के हिसाब से जो क्वालिफाइड है टू बिकम ऑडिटर वो ऑडिट कर रहे हैं तो वी प्रूव वी डोंट नीड टू प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आर स्टेटमेंट्स हम मानते हैं कि जो भी उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है उसको हमें वाउच करने की जरूरत नहीं है हाँ अगर अथॉरिटी को डाउट होता है कि नहीं यार ये तो इनकरेक्ट है तो वो चाहे तो जो स्टेप लेना चाहे वो ले सकते हैं मे बी वो बोले कि नहीं आप दोबारा ऑडिट कराओ तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयी ने बोला अब एम्प्लॉय के पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं अबाउट द कंपनी तो जो अथॉरिटी है वो कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए तो कंपनी को करनी पड़ेगी अब अगर मैम कंपनी या कॉरपोरेशन नहीं है तो व्हाट अबाउट देयर फाइनेंशियल्स भाई अगर उनके केस भी ऑडिटेड हैं ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर द्वारा तो हम उनका भी यही प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही है अगर ऑडिटेड नहीं है तो अथॉरिटी उनको डायरेक्शन दे देती है कि आप ऑडिट कराओ अगर उनको लगता है कि ऑडिट कराने की जरूरत है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है अगर आप ऑडिट नहीं कराते हो तो अथॉरिटी खुद आगे बढ़ के ऑडिट करा लेती है खर्चा आपको देना पड़ता है और जब ऑडिट हो जाता है तो फिर हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सही है ठीक है और खर्चा इस सिचुएशन में भी वो कॉरपोरेशन ही देती है वो एम्प्लॉयर ही देता है अपील सेक्शन फोर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हर एम्प्लॉयर को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कैसे रिकॉर्ड्स भाई उनके कौन एम्प्लॉयज हैं कितने वेजेस देती हैं मास्टर रोल एवरीथिंग और अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना होता है कि हमारा ये कैटेगरी वाइज रेट है एम्प्लॉयज़ का इतना वेजेस हम देते हैं और हमारे इस जुरिस्टिक्शन का इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन होता है ये अभी हम चैप्टर सेवन में पढ़ेंगे इसके अलावा आप उनको जो वेज देते हो उसकी वेज स्लिप्स भी देनी होती है एंड दैट्स इट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पे अगर हम आते हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हर एरिया का अलग अलग हो सकता है ठीक है या ऐसा भी हो सकता है कि वेब बेस्ड रैंडम सिलेक्शन भी हो सकता है रैंडम की इस जरिस्ट्रिक्शन के आप होगे इस जरिस्ट्रिक्शन का वो होगा और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको एक इंस्पेक्शन स्कीम भी प्रोवाइड कर सकती है वो बोल सकती है कि देखो ये आपका काम है हमने यहां पे इतने स्टेब्लिशमेंट्स हैं जो आपके जुरिस्टिक्शन के अंदर आते हैं अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पे एंश्योर करें कि सारी चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं यू विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट और आप के पास पावर्स हैं कोर्स आप जा सकते हो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो आप इम्प्लॉयर्स वर्कर्स को एडवाइस कर सकते हो कि इस तरीके से आपको कंप्लाई करना चाहिए आप प्रमाइसिस में जाके एग्जामिन कर सकते हो आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो आप उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो कुछ सर्च कर सकते हो कुछ सीज भी कर सकते हो अगर कोई नहीं मानता है तो आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बता भी सकते हो तो आपके पास इस तरीके की पावर्स दी हुई हैं तो हर स्टैब्लिशमेंट किसी इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर के जुरिस्टिक्शन के अंदर आती है ठीक है और वो एक्सरसाइज करते हैं चीजों को उनको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट भी करते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं देन वी हैव ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज चैप्टर एट कॉग्नेजेंस ऑफ ऑफेंस कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कब ऑफेंस इन टू रिकॉर्ड लिया जाएगा जब कोई अथॉरिटी कम्प्लेट करेगी या एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन या ऑफिसर या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक है तभी ये इन रिकॉर्ड लिया जाएगा इसकी पनिशमेंट क्या होगी इसमें फर्स्ट टाइम पनिशमेंट और सेकेंड टाइम पनिशमेंट दो आती है मतलब पहली बार अगर आपने एम्प्लॉय को कम अमाउंट दिया है तो आपके ऊपर पचास हजार तक का फाइन अगर दोबारा आपने कम अमाउंट दिया तो आपके ऊपर एक लाख तक का फाइन या फिर तीन महीने तक का इंप्रिजनमेंट या फिर दोनों अगर कोई और कॉन्ट्रवेंशन आपने किया कोई प्रोविजन नहीं माना तो पहली बार बीस हजार तक का फाइन अगर पाँच साल के अंदर अंदर आप दोबारा ये काम करते हो पाँच साल के बाद करते हो तो दैट तो इज अगेन ट्रीटेड एज द फर्स्ट ऑफेंस अगर उसके बाद फिर से काम करते हैं तो इम्प्रजनमेंट अप टू वन मंथ या फिर फाइन अप टू फोर्टी थाउजेंड या फिर दोनों ठीक है हमारे पास सेक्शन 53 में लिखा हुआ है कि कौन पेनाल्टी इंपोज करता है तो जब सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है तो इंस्पेक्टर कम किया हुआ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जब आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करता है तो आपको एक मौका जरूर देता है सुनवाई का एंड अदरवाइज ऑफकोर्स दे पीपल दे कैन इंक्वायर हर एक चीज की जा सकती है अगर ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है तो हम उनको तो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन था जो इन चार्ज था और उसके अगेंस्ट हम प्रोसीड करते हैं अगर ऑफेंस किसी की मर्जी से हुआ है तो वो डायरेक्टर सेक्रेटरी मैनेजर ऑफिसर वो सारे के सारों को हम गिल्टी मानेंगे हाँ अगर आप ये प्रूव कर दो कि भाई हमारी नॉलेज के बिना ये ऑफेंस हुआ है और हमने तो पूरी मुमकिन कोशिश की जब हमको ये पता चला वो पता चला देन यू कैन बी फ्री कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनीज़ एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनी नहीं है यहाँ पे कंपनी का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एलएलपी सब आ जाते हैं कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है जहाँ पे इम्प्रजनमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है मतलब आप ट्रायल से बच सकते हो आप खुद अपना जुर्म कबूल कर सकते हो और बोल सकते हो कि ठीक है अगर मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है अप टू टेन थाउजेंड तो कम से कम पाँच हज़ार रुपये दे के मैं इस ऑफ़ेंस को कंपाउंड कराना चाहती हूँ मैं बोल रही हूँ मैं कबूल कर रही हूँ कि हाँ ये मैंने गलती की है गुनाह किया है और आप इतनी इसकी पेनाल्टी ले लीजिए एंड आई वॉन्ट टू गेट सेव्ड फ्रॉम दैट इंक्वायरी ट्रायल्स एवरीथिंग सो दैट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस इज उस समाउड में होगा कंपाउंडिंग अवेलेबल ही नहीं रहती है अगर पांच साल के अंदर अंदर आपने दोबारा किया है तो ऐसी सिचुएशन में कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं रहती है एंड ऑफेंस वो इम्रेजरमेंट वाली मैंने आपको बता ही दी इसके बाद हमारे चैप्टर नाइन में कुछ मिसिलेनियस प्रोफेशन आते हैं कोई भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो कि हमको वेजेस कम मिले हैं या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आपको इस कोड के हिसाब से ही काम करना होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्यूट नहीं होगा अगर कहीं पे भी कोई भी केस आता है कि हमें पेमेंट नहीं मिली है वेजेस की एम्प्लॉयर को प्रूव करना होगा बीन पेड इंप्लॉय अपना हक नहीं छोड़ सकते हैं बाय एनी एग्रीमेंट कि आप कुछ भी करो हम आपके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे या हम इस हक को छोड़ें नहीं ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा ठीक है एंड इस कोड के जो प्रोविजंस होंगे दे विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट जहां पे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट uh, के पास पावर्स दी गई हैं वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर्स पास ऑन कर सकते हैं डेलीगेट कर सकते हैं किसी सबॉर्डिनेट को भी अगर किसी इम्प्लॉयर को ठहराया गया दोषी तो एम्प्लॉयर के पास ये हक होगा प्रूव करने का कि नहीं गलती मुझसे नहीं हुई है एक्चुअल ऑफेंडर कोई और है किसी और से गलती हुई है तो अगर वो कोर्ट को ये प्रूव करते कि हाँ गलती किसी और से हुई है और उसने तो भाई उसको पता ही नहीं था उसने ड्यू इंटेलिजेंस भी एक्सरसाइज की तो ही विल नॉट बी चार्ज गिल्टी ठीक है तो उसके पास ही हैज़ दैट एंटाइटलमेंट टू ब्रिंग द एक्चुअल ऑफेंडर ठीक है एंड कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ तो उसमें जो भी आप सिक्योरिटी वगैरह देते हो दैट विल नॉट बी लैबल टू अटैचमेंट राइट सो दैट्स इट विद द कोड ऑन वेजेस